नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DM टेक्निकल हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने WhatsApp के ज़रिए किसी को भी अगर अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट सेंड करते हो तो सिर्फ वो व्यक्ति एक ही बार देख सकता है उनको। वैसे हम कई बार सेंड कर देते हैं हमारे दोस्तों को हमारी पर्सनल फ़ोटोज़ या पर्सनल वीडियोज़ कुछ भी, तो वो हमें बार बार बताता है कि भाई जी भाई हमारे पास तेरी ये पर्सनल है, ये वो है। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हम जो भी हमारे दोस्तों या हमारे किसी भी रिलेशन को अगर हमने कोई भी फ़ोटो अगर सेंड किया या वीडियो सेंड किया तो हम हमारे हिसाब से सेटअप कर सकते हैं गाइस, जिससे कि हमारी फ़ोटो या वीडियो जो भी हो वो सिर्फ एक बार देखे, उसके बाद उसकी गैलरी में भी सेव ना हो और उसको दोबारा से देख भी नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं किसी भी दोस्तों को एक बार कोई भी एक फ़ोटो भेजता हूँ, आपको भी इस वीडियो में पूरा दिखाऊँगा मैं। तो मैं इस मेरे एक भाई दोस्त है, इसका नंबर यहाँ पर देख सकते हो आप। अब हमारे सेंड करने के लिए आपको जो नॉर्मली है सिंपल से अपनी गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से आप कोई भी एक फ़ोटो ले लीजिए। एक फ़ोटो ले मैंने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद आपको जो ये टाइपिंग का ऑप्शन है इसमें आपको एक तरफ एक निशान दिख रहा हो जिस गोले के अंदर एक लिखा हुआ है। तो आपको सिंपल से अगर आप ये जो एक लिखा हुआ अगर इस पर आप जो क्लिक कर दोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर परमिशन मांगे तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी ये सेटिंग चालू हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पर ओके करके दिखा दूँगा। मैं जैसे इस पर ओके करूँगा यहाँ पर दिस वीडियो विल डिसअपीयर आफ्टर इज ए ओपनड, यानी कि सामने वाले एक बार इसको ओपन कर लिया उसके बाद ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा उसकी गैलरी या उसके व्हाट्सअप चैट में से। तो दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर इसको मैंने सेटिंग को ऑन कर दिया। इसके बाद मैं इसको ये सेटअप सेंड कर दूंगा फ़ोटो। तो मैंने फ़ोटो सेंड कर दिया, आप देख सकते हो फ़ोटो जाने का तरीका भी यहाँ पर पूरा बदल चुका है गाइस। तो अब ये फ़ोटो जैसे मेरे दोस्त सामने देखेगा इसको तो ऑटोमेटिकली उसके चैट या उसके गैलरी में से ऑटोमेटिकली ये वीडियो डिलीट हो जाएगा। अब अगर इसी सेटिंग को आपको बदलना है तो फिर से आपको उसी के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये वापस से बंद हो जाएगी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हमारे टेक्निकल से रिलेटिव ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। ओ कुछ साल तक ही सा काम कर दूं, सारे जहां की रे खुशी तेरे नाम कर दूं, दुनिया या करे।